नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में संयुक्त मोर्चा का महासम्मेलन आज। सूर्यकांत मिश्रा, अधिरंजन चौधरी सहित दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। सिलीगुड़ी में कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में एक महासम्मेलन का आज आयोजन किया गया है। महासम्मेलन में CPM नेता सूर्यकांत मिश्रा, मीनाक्षी मुखर्जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत महागठबंधन के शीर्ष नेता उपस्थित होंगे। सिलीगुड़ी शहर के बागाजतन पार्क में सम्मेलन को लेकर काफी चहल पहल देखी जा रही है। बता दें कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य, डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट से दिलीप सिंह, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी से शंकर मालाकार संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार है। देश में कोरोना संक्रमण ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक सभी रिकॉर्ड टूटे। पहली बार एक दिन में 1,00,000 नए मामले दर्ज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ये संख्या 1,03,558 है। पिछली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 16 सितंबर 2020 को दर्ज किया गया था, तब मामलों की संख्या 97,894 थी। तब 1,132 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पिछले 24 घंटों में 478 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में दिन ब दिन एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब 7,41,830 हो गई है। कल कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,16,82,136 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी है। देश में महामारी से पूरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सप्तांगत लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को छोड़कर निजी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा भी की है। कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंध भी लगाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर से निपटने के लिए राज्यों को कड़े और व्यापक कदम उठाने होंगे। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उन्होंने 5-स्तरीय रणनीति, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करने का सुझाव दिया। बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता जताई गई और इसके मद्देनजर PM ने इन राज्यों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों की केंद्रीय टीम भेजने का निर्देश दिया। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार, कहा लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जोरदार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। सोमवार को उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के 25 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। आज वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि 25 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने कहा, यहाँ के कार्यकर्ता काफी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। 7 बूथों में से 6 बूथों में कार्यकर्ता सभी लोगों तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस वार्ड के लोग काफी जागरूक है, वे लोग विकास के लिए तृणमूल के समर्थन में मतदान करेंगे। इस वार्ड से उनकी जीत पक्की है। साथ ही उन्होंने कहा, 11 से 30 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है, अन्य वार्डो में भी पार्टी काफी मजबूत है। गौरतलब है सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला उनके वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार CPM नेता अशोक भट्टाचार्य से है। भाजपा ने यहां शंकर घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है। 25 नंबर वार्ड है, इतिमध्ये
প্রচার পর্ব আমরা করেছিলাম। এখানে খুবই রাজনৈতিক সচেতন মানুষরা রয়েছেন এবং আমাদের যেটা স্থানীয় নেতৃত্ব, ওয়ার্ডের নেতৃত্ব আর মহিলা যুব শক্তি আমাদের যেটা, সেটা এটা ইতিমধ্যেই সুনিশ্চিত করেছে যে 25 নম্বর ওয়ার্ডের 7টা বুথের মধ্যে ইতিমধ্যে 4-6টা বুথে সমস্ত মানুষের কাছে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। এটা নিয়ে আমি তৃতীয়বার আসছি 25 নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ড থেকে আমাদের খুব ভালো সুনিশ্চিত জয় হতে চলেছে, এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি আমি স্পষ্টতই বলতে চাই, 13 নম্বর থেকে 30 নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত তৃণমূল কিন্তু একচেটিয়া আমরা জিততে চলেছি। অন্যান্য যেই সমস্ত জায়গাতে কিছুটা দুর্বলতা আছে সেটাকেও কিন্তু আমরা কাটিয়ে উঠেছি। গতকালকে 1 নম্বর ওয়ার্ডে অভূতপূর্ব সারা, 5 নম্বর ওয়ার্ডে আমি 4টা মিটিং করেছি, প্রচুর মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এবং আরএসপি, সিপিএম এমনকি বিজেপি থেকে মানুষরা যুক্ত হচ্ছেন। তবে বিজেপির তাদের আমি শুনছি যে তাদের প্রচার কার্যে কর্মীদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তাদের কাছে একটা অসুবিধার জায়গা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণভাবে উল্টো। আমি যেখানেই যাচ্ছি, গতকালকে 9 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 800 জন ছিলেন, পরশু দিন 23 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 500 জন ছিলেন, এবং আজকে আমি সনির্বদ্ধ অনুরোধ করেছি 25 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের নেতৃত্বকে যে 40-50 জনের বেশি থাকলে এটা ম্যানেজমেন্টটা অসুবিধা হবে। আমাদের প্রচুর কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব রয়েছেন, খুব ভালো প্রচার কার্য হচ্ছে, মানুষদের সাড়াটাও কিন্তু খুব ভালো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে আর কি একটা পজিটিভ আপনি বলতে পারেন যে প্রো ইনকামবেন্সি রয়েছে। সবাই চাইছেন যে বাংলায় দরকার মমতার সরকার, আমরা যেই বলছি বাংলায় দরকার, মানুষ নিজেই বলছেন যে মমতার সরকার, সেই জায়গাটা আর কি অতি অবশ্যই আমরা সবাই লাভান্বিত হচ্ছি, আমি বা আমাদের অপর প্রার্থী গৌতম দেব, অন্যান্য জায়গাতে তৃণমূল প্রার্থী যারা রয়েছেন তারা। উমেদবার সে নারাজ, 36 পরিবার নে ভাজপা কা ছোড়া দামন, থামা তৃণমূল কা সাথ। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে কালিয়াগঞ্জ মে বাহারি ব্যক্তি কো উমেদবার বনায়ে জানে সে শুব্ধ সেকড়ো ভাজপা কার্যকর্তা টিএমসি মে শামিল হো গয়ে। কালিয়াগঞ্জ শহর কে ওয়ার্ড নম্বর 5 মে রবিবার রাত এক কার্যক্রম কে বীচ ভাজপা কার্যকর্তা রাজা দাস কে নেতৃত্ব মে 36 পরিবারো নে टीएमसी का दामन थामा। इस अवसर पर कालियागंज शहर युवा तृणमूल अध्यक्ष विभाष शाह और 5 नंबर वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष विधान शाह उपस्थित थे। कार्यक्रम में कालियागंज विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार तपन देव सिंह, प्रदेश तृणमूल सचिव, शहर तृणमूल अध्यक्ष कमल घोष, वार्ड के पूर्व पार्षद मिलन विश्वकर्मा भी शामिल हुए। 5 नंबर वार्ड के शांति कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में टीएमसी नेताओं ने सभी लोगों को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। दूसरी ओर भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले राजा दास ने आरोप लगाया कालियागंज विधानसभा सीट पर पार्टी की ओर से एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया, वह कालियागंज का सार्विक विकास कर पाएगा इस पर उन्हें संदेह है इसकी वजह से। इसके अलावा उम्मीदवार की पत्नी की पहचान बताकर एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को देखने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया। कार्यक्रम के बाद टीएमसी उम्मीदवार तपन देव सिंह ने কালিয়াগঞ্জ শহর মে কই চুনাবি র্যালিয়া ভি। আমি একজন বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলাম, কিন্তু বিজেপির প্রার্থী কালিয়াগঞ্জের জন্য পছন্দ না আমার, কেননা একটা বাইরের ক্যান্ডিডেট আমাদের কালিয়াগঞ্জে আসবে, তো মানুষের পাশে মানুষের কে কীভাবে সাহায্য করবে এটা আমি বুঝতে পারিনি। প্লাস যে আমাদের যে বিজেপির যে প্রার্থী ছিল ওনার মিসেসের একটা ভিডিও ভাইরাল হওয়াতে যে বুঝলাম যে না আমি প্রার্থী, তখন থেকে আমার পছন্দ না, তাই আমি বিজেপি ছেড়ে বিভাসদা আর হচ্ছে আমাদের বিধানদার তৃণমূলে যোগ করলাম। মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের প্রতি আস্থা রেখে এবং ভারতবর্ষে বিজেপি যেভাবে মানুষের উপরে যে জনবিরোধী যে নীতি তার প্রয়োগ করে চলেছে, এবং তার পাশাপাশি আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে বাংলার মানুষের উন্নয়ন করে চলেছেন, তার প্রতি আস্থা রেখে আজকে এই 5 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 38টি পরিবার, ছাত্র, যুব এবং মায়েরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এই যোগদান কিন্তু সারা কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা জুড়ে চলছে, প্রতিনিয়ত চলছে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা জুড়ে, এবং আজকে তারা বুঝতে পেরেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষকে শুধু ভাওতা দিয়ে, ধর্মের সুরসুরি দিয়ে বিভাজন করে তারা নির্বাচনে জিততে চায়, তাদের আর কোনো উন্নয়ন না করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আজকে কালিয়াগঞ্জ শহরে 3 নম্বর ওয়ার্ড, 6 নম্বর ওয়ার্ড, 8 নম্বর ওয়ার্ড,
ষোলো নম্বর ওয়ার্ড চারটে পার্টি অফিসের উদ্বোধন নির্বাচনী কার্যালয়, তারপরে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে একটা বড় ধরনের জয়েনিং প্রোগ্রাম আছে। এই উপলক্ষে এখন আমরা এই কাজগুলো করছি। सिलीगुड़ी में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किया रूट मार्च, वोटिंग 17 मार्च को। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो चुका है। 6 अप्रैल को तीसरे चरण के तहत मतदान होंगे। सिलीगुड़ी में 17 अप्रैल को पांचवें चरण में मतदान होना है। इस बीच शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों का रूट मार्च शुरू हो गया है। सोमवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रूट मार्च करते देखा गया। सूर्यनगर मैदान संलग्न इलाके में आज पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पुलिस अधिकारियों के साथ रूट मार्च किया। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि, जिसको एक स्प्रेले भैक्सिन सर काम कर फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया फंगस बाट होने समस्त रोग पात को रस चुस्ने क्रिया समेत नियंत्रण कर जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अज किफायती प्रभावकारी। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A-Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A-Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्र और राज्य सरकारों के विरुद्ध सीपीआईएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने भरी हुंकार। कहा, राज्य से टीएमसी और केंद्र से भाजपा को हटाने के लिए बढ़ाना होगा जनसंपर्क। हेमतावत विधानसभा केंद्र के वाम मोर्चा और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा के सीपीआईएम उम्मीदवार भूषण बर्मन के समर्थन में हेमताबाद के मलवान मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में सीपीआईएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा उपस्थित थे। इसके अलावा इस सभा में आरएसपी नेता तथा राज्य के सचिव विश्वनाथ चौधरी, उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस सभापति तथा रायगंज विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार मोहित सेन गुप्ता, हेमताबाद विधानसभा से उम्मीदवार भूषण बर्मन सहित कांग्रेस और वाम मोर्चा के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर सूर्यकांत मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में जहां एक तरफ भ्रष्टाचारी सरकार है तो दूसरी तरफ राज्य में गरीब और जन विरोधी सरकार है। इन दोनों को ही हराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार निजीकरण कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को इस सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला और जनता से अनुरोध किया कि वे संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताए। उन्होंने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोगों के बीच जाए और उनकी समस्याओं को समझे और जनसंपर्क और अधिक बढ़ाए। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क में गेंडे का शव बरामद। गेंडे की सिंह गायब। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के चीलपाता रेंज के बानिया एक और बानिया दो कंपार्टमेंट के बीचों बीच एक मादा गेंडे का मृतदेह बरामद किया गया। गश्त लगा रहे वन कर्मियों को जंगल में गेंडे का शव पड़ा मिला। गेंडे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गेंडे की मौत की वास्तविक वजह का पता चल सकेगा। चिलपाता इको टूरिज्म सोसाइटी के संयोजक अविक गुप्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गेंडे की सिंह गायब है, इससे पता चलता है कि तस्करी का मामला है। उन्होंने वन विभाग से इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की मांग। चिलापाता बनांचल एटा जल्दापाड़ा जातीय उद्यान एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं माने जंगल भ्रमण पिपासु मानुषदेर काछे अत्यंत एक प्रिय जंगल एवं एखाने प्राणी वैचित्र जीव वैचित्र सब माने असाधारण एक कथाय असाधारण ए जंगल। किन्तु ए आजके एखाने আমরা একটু আগেই শুনতে পেলাম, খবর পেলাম যে এখানে একটি গন্ডার পোচিং হয়েছে। পোচিং নিঃসন্দেহে, কারণ তার হর্নটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না, তার ডেড বডিটা দেখা গেছে। কাজে এইটা তো একটা পর্যটনের স্বার্থে এবং মানে সমস্ত দিক থেকেই এটা তো বন দপ্তরের খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে মনে হয় না, এটা গাফিলতি মনে হয়। কাজে গাফিলতি যখন বন দপ্তরের যে বা যারাই এটা দায়ী মানে দায়িত্ব থাক তাদের, তারা মানে এটার একটা তদন্ত হওয়া তো প্রচণ্ড জরুরি। এটার প্রকৃত সত্য মানে প্রকৃত গাফিলতি কারা এর সাথে যুক্ত ইত্যাদি, কারণ এখানে একটা সিকিউরিটি মানে বন্যপ্রাণের সিকিউরিটির অভাব কিন্তু বরাবরই রয়েছে এখানে। মানে মানে সিসিটিভি ক্যামেরা অর সামথিং এগুলোর ব্যবস্থা কেন যে এটা করা হয় না? टीएमसी के प्रत्याशी खगेश्वर रॉय के समर्थन में विशाल रैली। रॉय ने जीत की हैट्रिक लगाने का किया दावा। जलपाईगुड़ी जिले में राजगंज विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी खगेश्वर रॉय के समर्थन में बेलागोबा इलाके में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक भव्य रैली निकाली गई। रैली में काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया था। रैली में शामिल लोग खगेश्वर रॉय के तीसरी बार यहां से चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे। इधर तृणमूल की रैली आज पूरे बेलागोबा क्षेत्र का दौरा किया। जुलूस के अंत में खगेश्वर रॉय ने कहा कि वे इस बार भी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा, तृणमूल के शासन में राज्य में चारों ओर विकास हुआ है। लोग दीदी के नेतृत्व में फिर से राज्य में तृणमूल की सरकार बनाएंगे। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व तथा मामाटी मानुषेर सरकार मुख्यमंत्री এবারে আমাকে প্রার্থী করছে, তৃণমূল কংগ্রেস দলে প্রার্থী করেছে। তাই 17 এপ্রিল আমাদের নির্বাচন, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজকে মহামিছিল। এই মহামিছিলে এবারকার যে যুদ্ধ 2021 সালের যে যুদ্ধ, আমার মেন যেমন মহাভারতে অর্জুনের সারথি ছিল কৃষ্ণ, তেমনি 2021 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে জয় করবার জন্য আমার মেন এবারকার সারথি হচ্ছে স্বয়ং কৃষ্ণদাস যেখানটা আছে। আমরা আজকে প্রায় 10,000 লোক নিয়ে আমরা মহামিছিল করব। মহামিছিল করে আমরা দেখিয়ে দিব ভারতীয় জনতা পার্টিকে, তোমরা কত লোক নিয়ে মিছিল করো, আমরা কত লোক নিয়ে মিছিল। এই মিছিলেই প্রমাণ হবে যে 17 এপ্রিল নির্বাচন যে ভোট হবে, এই ভোটে কে জিতবে।
बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा कोई नेता नहीं, ये बातें कही है अब्दुल करीम चौधरी ने। पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर ममता बनर्जी एकमात्र उम्मीदवार है। इस्लामपुर के तृणमूल उम्मीदवार अब्दुल करीम चौधरी ने यह बातें कही। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर विधानसभा के पंडित पोता इलाके में तृणमूल की कर्मी सभा में वे पहुंचे थे और इस बीच अब्दुल करीम चौधरी ने यह बातें कही। सभा में तृणमूल नेता कमलुद्दीन नग, पंडित पोता दो नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान राजीव बेगम, पंचायत प्रधान के प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद, इस्लामपुर नगर पालिका के पूर्व परिषद तृणमूल नेता मेहताब चौधरी समेत काफी संख्या में तृणमूल के शीर्ष नेता व समर्थक मौजूद थे। पंडित पोता दो नंबर ग्राम पंचायत के गोलपाड़ा मैदान में तृणमूल कांग्रेस की सम्मेलन को संबोधित करते हुए अब्दुल करीम चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 3 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर ममता बनर्जी ही उम्मीदवार है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को शांत करने का दमखम रखने वाला एकमात्र नेता ममता बनर्जी है। साथ ही उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार की तुलना में कम वोट मिलने का दावा किया। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा गुजरात से यहां शांति फैलाने आई है, लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब्दुल करीम चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी के राज में गरीबों का काफी विकास हुआ। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर समय लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन একটাই আওয়াজ প্রার্থী সবাই দুটো করে বেটা দুটো করে প্রার্থী আছে কিন্তু প্রার্থী একটাই ওটা হলো মমতা ব্যানার্জীকে তোমায় ভোট দিবি আমাকে ইসলাম থেকে দিবি যে ভোট করতে মমতা দিকে যাবে যেখানে যেখানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা সকলেই আমাদের মমতা ব্যানার্জী মমতা জি নিজেই বলেছে যে আমি সব থেকে আমি আমার প্রার্থী দাঁড়াইতে মনে করবেন আমি আছি। এই জন্য আজকে আমি এখানে বলেছি আমাদের আজকে মহিলা জনসভা দিন, আজকাল যে মহিলা জনসভা এখানে আমাদের সমস্ত মহিলারা এসেছেন গ্রাম ক্লাব অঞ্চল থেকে আর থাকবে তোকে আমাদের পুরুষরা দিন। এখন জনসভায় মধ্যে আমরা বলতে রাখলাম যে প্রত্যেক মহিলা মমতা বন্দী ছাড়া অন্য আর কোনো নেতা নাই, না কংগ্রেসে নাই, সিপিএমে নাই, বিজেপি। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।